यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा हम देख रहे हैं कि आरंभिक कलीसिया में बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारे सिद्धांत है जो आज तक जारी हैं, आज तक जारी। उसमें से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये भी था कि जिसका वर्णन पहला दूसरा अध्याय प्रेरितों के काम के पुस्तक उसकी 42 आयत में और उसके वहां यूं लिखा है, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन है। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने टेक्निकली यदि देखें तो प्रेरित लोगों को बहुत कुछ, कोई थियोलॉजी, कोई डॉक्ट्रिन नहीं आती थी जैसी महायाचकों को आती थी, याचकों को आती थी, वो सदूकियों और फरीसियों को आती थी, वैसी नहीं। लेकिन परमेश्वर ने अपना वचन, प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है, अपना वचन समझने के लिए इनकी बुद्धियां खोल दी और ये परमेश्वर के वचन को समझने लगे और देखिए यही बात सिखाने लगे और सीखने भी लगे, यही बात सिखाने लगे और सीखने लगे। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि जो आदमी कॉलेज में है वो स्कूल वालों को सिखा सकता है और कॉलेज वाला और आगे की पढ़ाई कर रहा है। देखिए पौलुस उस कैटेगरी में था, पौलुस उस कैटेगरी में था। गलातियों के पुस्तक में उसके पहले अध्याय में लिखा है, तो ये पौलुस वो बोलता है कि जब मैं मसीह में आ गया तो जो है सीधा जो है, यदि आप देखें मेरे साथ निकालने गलातियों की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, ये गलातियों की पुस्तक का पहला अध्याय और वो बोलता है पहले अध्याय में, के पहले अध्याय की 18 आयत में वो बोलता है, 18 आयत, फिर 3 वर्ष के बाद में कैफा से भेंट करने को यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा। और इसी के पहले यदि मैं 15 आयत से पढूं तो वहां लिखा है, परमेश्वर के जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, परंतु तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया, फिर 3 बरस के बाद, 3 बरस। और दूसरा अध्याय के पहली आयत में क्या बोलता है, 14 वर्ष के बाद में बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। 3 साल लिए 14 साल लिए और गमलियल के चरणों में जो है 14-15 साल जो गुजारे वो है। यदि 20 साल की उम्र में शुरुआत हुई तो पौलुस जिस समय सुसमाचार के लिए निकला वो 40 और 50 के बीच में है, 40 और 50 वर्ष के बीच में अनुभवी हो गया और नतीजा ये रहा, उसको ये सब शिक्षाएं समझ में आ गई। गमलियल के चरणों में उसने पुराना नियम पूरा सीख लिया और प्रभु के चरणों में पूरा नया नियम सीख लिया और जब निकला तो कलीसियाओं की स्थापना करने लगा। प्रेरित लोगों को जो है परमेश्वर ने उनकी बुद्धि खोल दी और वे शिक्षा देने लगे। और चौथे अध्याय में आया भी है कि जो सदूकी और फरीसी थे, चौथे अध्याय के पहली आयत में जब वे लोगों से ये कह रहे थे तो याजक
और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ाए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। प्रेरित लोग जो है प्रभु यीशु की बात लोगों को सिखाते, और जो सिखा रहे थे वो मन परिवर्तन का कारण थी। इसी के आगे लिखा है कि इन शिक्षाओं से हृदय परिवर्तन होने लगे और 3,000 फिर 5,000 ये परिवर्तन आए। ये काम होना था याचकों से, सरदारों से, सदुकियों से, वे फेलियर। और ये हम सब के लिए एक नया आयाम है, जिसकी आंखें प्रभु ने खोल दी, जिसके मन को प्रभु ने खोल दिया, जिसके कान को प्रभु ने खोल दिया, वो इस संसार की बातों से बिल्कुल परे है, बिल्कुल परे है। और प्रभु ही करे कि हम सबकी आंखें, आत्मिक आंखें खुले कि हम प्रभु को देख सके, हमारे आत्मिक कान खुले कि हम प्रभु को सुन सके, हमारा आत्मिक हृदय खुले कि हम प्रभु को समझ सके। और बाइबल इस विषय में क्या कहती है, आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलिए। सो दोस्तों, ये वो महत्वपूर्ण चीज थी, और ये तकलीफ वाली बात जो थी, ये आरंभिक कलीसिया में महायाजकों को, उन पढ़े लिखो ये लोगों को थी। ये प्रभु यीशु मसीह के कारण भी हुई, ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता के कारण भी। इसलिए उन्होंने सवाल भी किया था प्रभु यीशु मसीह से कि तेरा ये अभिषेक किसने किया? याचकों ने तो किया नहीं, लेकिन प्रभु ने जो है एक सवाल करा, काउंटर सवाल करा। मैं भी तुमसे एक प्रश्न पूछता कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का अभिषेक किसकी ओर से? क्योंकि उसका भी बपतिस्मा देने का जो अधिकार था वो याचकों की ओर से नहीं, वो परमेश्वर की ओर से। लेकिन इन्होंने कहा कि यदि हम ये कहें कि परमेश्वर की ओर से, तो वो बोलेगा कि तुमने उसकी क्यों नहीं सुनी, और यदि ये कहें कि याचकों की ओर से, तो डर लगता है कि लोग हमें पत्थरवा करेंगे। सो उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते। प्रभु ने भी कहा कि मैं नहीं बताता कि मैं ये किस अधिकार से करता, और यही बात उन्होंने चेलों में ट्रांसमिट की, यही बात पौलुस ने सीखी, जबकि पौलुस गमलियल के चरणों में ऑलरेडी सीखा हुआ था। सो उसको ये समझ में आ गया, जब उसकी आत्मिक आंखें खुली, जब उसके आत्मिक कान खुले, जब उसके आत्मिक मन खुला, उस दमिस के मार्ग में उस वाणी को उसने सुना, प्रभु को आत्मिक रीति से देखा, उसने प्रभु से बातें करी, उसको समझ में आ गया कि ये संसारिक शिक्षाएं अपनी जगह हैं, लेकिन प्रभु के लिए हमें इन बातों का होना अवश्य है। सो बाइबल जो है तभी यूजफुल है जब हमारी आत्मिक आंखें खुली हों कि हम प्रभु को देख सकें, हमारे आत्मिक कान खुले हों कि हम प्रभु को समझ सकें, उसकी वाणी को सुन सकें, और हमारी आत्मिक समझ खुली हो ताकि हम लोगों को समझा सकें। और ये उन लोगों में नहीं था जो याजक थे। वे पढ़े लिखे थे, संसारिक रीति से वे पढ़े लिखे थे, महायाजक, सरदार, सदूकी, फरीसी, इनको ये तकलीफ हो रही थी। सो आज भी ये दो प्रकार के अनॉइंटिंग अलग अलग है। सो दोस्तों, ये कंसेप्ट जो है टीचिंग का, जो आरंभिक चर्च में था, वो जारी रहा, और चेलों को जितना आता था उन्होंने जो है वो दूसरों को सिखाना शुरू करा। वो खुद भी सीख रहे थे प्रभु ने जो उन्हें सिखाया था, और जो सीखा था वो लोगों को बताया, और पौलुस भी यही बोलता कि प्रभु के इच्छा हुई तो प्रभु ने अपना वचन मुझ पर प्रकट किया, और जो है जो गुप्त बात थी वो प्रभु ने सिखा दी।
और बाइबल में ये बेसिक फर्क आया। पौलुस इस बात को आगे बोलता है कि शैतान भी इसी वचन को यूज करता है, शैतानी लोग भी इस वचन को यूज करते हैं, इसी बाइबल को यूज करते हैं, लेकिन उनके और वे लोग जिनकी आत्मिक आंखें, आत्मिक कान, आत्मिक हृदय खुला, वे और शैतान दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और ये शिक्षा जो है बेसिक फर्क है। और सच्चा सच्चा प्रेरित कौन है? वो जो परमेश्वर के वचन में लगा रहता है। सच्चा परमेश्वर का जन जो है परमेश्वर के वचन को सीखने में और परमेश्वर से बात करने में, परमेश्वर के अध्ययन में लगा रहता है। और जो सीखा है वो दूसरों को सिखा देता है, उतना दूसरों को सिखा देता है। ये हमें चाहिए, ये हमें भी चाहिए कि ये जो सच्चे प्रेरित थे वो इस रीति से कार्य कर रहे थे, लेकिन 2000 साल बाद भी यही शिक्षा हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए कि हम प्रभु के चरणों में बैठना सीखें, प्रभु से सीखना सीखें। और जो है इसके अलावा जो प्रभु के वचन में जो प्रभु हमें बताता है वो जो है यदि क्रमवार रीति से अध्ययन करा जाए कोई बुरा नहीं, कोई बुरा नहीं। और प्रभु यही हमारे जीवन से चाहता है, प्रभु यही हमारे जीवन से चाहता है कि हम ये सीखें और करें। और लिखा है वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में लगे रहे, लगे रहे। कंटिन्यूस टेंस है, जो शब्द है डिडेक, डिडेको। और वो ये कि प्रभु के वचन में आगे बढ़ते रहें। कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है सिवाय परमेश्वर को छोड़कर, सिवाय प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर। हर में कमियां घटियां हैं, सो जिस कमी या घटी को आप जिससे सहमत नहीं है उसे छोड़ दें, उसे छोड़ दें, लेकिन जो पॉजिटिव चीज है उसको ग्रहण करें, उसको ग्रहण करें। और यही हमें आगे सीखना है, यही हमें आगे सीखना है और यही सिखाना है, यही सिखाना है। और ये कि परमेश्वर के वचन को जो सीखा है वो आगे भी सिखाना, बहुत सारी चीजों को लेकर के जो है परमेश्वर का वचन बोलता है। इनकी आरंभिक शिक्षाएं, इनकी आरंभिक शिक्षाएं जो है प्रभु के वचन के, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के आसपास बनी रही, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के आसपास बनी रही। इनको बहुत सारे जो है मूसा के लॉ और दूसरी बातें नहीं मालूम थी, लेकिन उन्होंने जारी रखा, उन्होंने जारी रखा। सीखना और सिखाना दोनों चीज जारी रही। और नए नियम की कलीसिया में बहुत परिवर्तन आए, बहुत परिवर्तन आए। और ये चीज हमको जो है सिखाती है, यही चीज हमको सिखाती है कि परमेश्वर से हमको सीखते चलना है और प्रभु हमको सिखाता चलेगा। जितना आप परमेश्वर में डूबते जाएंगे उतना अधिक पाते जाएंगे। ये समुद्र है जिसमें आप जितनी गहराई में जाएंगे उतने बहुमूल्य पत्थर और मोती पाएंगे। और आरंभिक कलीसिया की ये जो शिक्षा वाली पद्धति थी, हम यूं बोल सकते हैं कि
वे परफेक्ट नहीं थे लेकिन जीवन परिवर्तन का कारण बन रहे थे। और प्रभु यही चाहता है कि जो आरंभिक कलीसिया की शिक्षाएं थी बाइबल के विषय में, परमेश्वर पिता के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में, परमेश्वर के कार्यों के विषय में, जो लोग गिर गए उनके विषय में, उद्धार के विषय में और अल्टीमेटली अनंत जीवन के विषय में, ये जो है महत्वपूर्ण विषय थे जिनको जो है चेले लोग डील कर रहे थे, जो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। सो प्रभु से मांगे कि प्रभु हम सबके सहायता करें कि हम प्रभु की बातों को वैसे समझ पाए जैसा प्रभु चाहता है और वैसा ही सिखा पाए, जो अनंत जीवन का कारण बने, जो हृदय परिवर्तन का कारण बने। मैं अक्सर बोलता हूं कि यदि मैं 50 साल तक प्रीच करता रहा और यदि एक भी आत्मा प्रभु के पास न ला पाए तो ऐसी प्रीचिंग से क्या मतलब रहे। यदि मैं 50 साल संगीत गाता रहा और एक भी आत्मा प्रभु से के पास ना आ पाई तो ऐसे गानों से क्या मतलब। हम किसी भी क्षेत्र में क्यों ना रहे, एंड रिजल्ट ये आना चाहिए कि हम आत्माएं जीतने वाले परमेश्वर के सेवक हो। हम किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जिन्होंने उन प्रेरितों के हृदय खोले आपके वचन को समझने के लिए। इसके पहले वो वचन नहीं समझ पा रहे थे लेकिन जब समझने लगे प्रभु, हृदय परिवर्तन का कारण हो गया वो वचन। और प्रभु कई लोग अभी भी उस अवस्था से दूर हैं। हमारे हृदयों को भी प्रभु आप खोलें कि आपके वचन के समझने पाए वैसे ही जैसे वो लिखाया गया है। जिस आत्मा ने उसे लिखाया वही आत्मा हमारे जीवन में जब आ गया है उसी के द्वारा हम उस वचन को समझने पाए, उस पे चलने पाए और दूसरों को भी बताने पाए। सारा आदर महिमा इज्जत आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं। आमीन। और फिर Ya'er Yahweh V'ichunecha Yisa Yahweh Panav Lecha V'yasem Lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.